उत्तराखंड की राजधानी से करीब 37 किलोमीटर दूर देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक में खमरोली गांव है। यहां के ग्रामीण इन दिनों काफी चिंतित हैं क्योंकि उनके गांव के सरकारी स्कूल समेत कई घरों और इमारतों में दरारें आ गई हैं। हल्की दरारें तो हमारे 2013-14 में भी एक आपदा आई थी, उस समय भी गाँव में हल्की सी दरारें दिखी, कुछ मकानों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार 22-23 में जो ना ये जो अभी बारिश हुई 22-23 तारीख को ही होते 2023 के 22-23 तारीख को ही ये बारिश हुई, भारी बारिश, उसी से ये दरारें दिखनी शुरू हुई। आबादी गांव में है लगभग 50 परिवार और जनसंख्या है 1200 की आबादी है। ग्रामीणों के अनुसार दरारें लगभग 15 से 30 दिन पहले दिखाई देनी शुरू हुई। अब वे अपनी रातें गौशालाओं में बिताते हैं या जागते रहते हैं। उन्हें डर है कि बारिश के इस मौसम में कहीं उनके घर गिर न जाएं। दरारें हैं ये आपने कब देखी, कब आनी शुरू हुई हैं? जब पानी आ रहा था तब आ गई, रात को आ गई थी, तो सुबह हमने देखा था, हम बैठे थे, फिर कह रहे थे कि छानों में चलेंगे और कि कहीं नीचे ना जाएं घर की, इसलिए डरते ही रहते थे। मुसीबत तो मुसीबत लगती है जब डर, जैसे बारिश होती है तो बहुत डर लगता है कि कब क्या, कब फट जाए, कहीं से कुछ हो ना जाए। जैसे दरारे इसे तो बहुत डर लगता है कि अब दरारे में कुछ पानी बैठ जाएगा, एकदम से कहीं फट जाएगा तो कहाँ जाएं, कहाँ अपने आप जाएं, कहाँ बच्चे ले जाएं। तो अब रात को बैठ के ही रात काटनी पड़ती है फिर डर के मारे, फिर क्या करना, कहाँ जाएं फिर। ग्रामीणों का दावा है कि प्रशासन ने दरारों का सर्वेक्षण करने के लिए कुछ अधिकारियों ने गाँव का दौरा करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। एक महीना हो गया एसडीएम साहब यहाँ तक नहीं पहुँच चुके हैं। मैं मीडिया के असर से आप कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आए और देखें, हमारे यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ भेजें प्रशासन के लिए। कई बार पटवारी जी भेज दे, क्षेत्र में पटवारी हैं, उन्होंने उनको भेजा था कुछ दिन पहले, उन्होंने भी लिखे गए और फोटो खींच के चले गए, कह रहे कि एसडीएम साहब आएंगे वो देखेंगे और जब क्षतिग्रस्त हो जाएगी हम तब ये मुआवजा बनाएंगे। अगर अच्छा ठीक रहा, जब हम ही रहेंगे ही नहीं तब मौजा बनाएंगे, या हमारे कोई शिफ्ट कर आगे, शिफ्ट करे कहीं और जगह, हमारे कोई प्रशासन ऐसे देखे कि क्या क्यों गिर रहा है, इसको कुछ जांच करें। दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारियों का दावा है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं दी गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्रभारी सचिव ने कहा कि वो इस मामले की आगे जाँच करेंगे। देखिए, कहीं भी अगर आती है हमारे पास कहीं से रिपोर्ट तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। इसमें हमने ये भी किया हुआ, सब जगह का हेल्पलाइन खुला हुआ है, कहीं भी कोई भी चाहे SEOC में चाहे DEOC में जिले लेवल पे कोई भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है कहीं पर कुछ दिक्कत आई है तो। सर, देहरादून के बारे में कोई जानकारी आई है? क्योंकि राजधानी के गांव है सर, जो खमरोली गांव है और भी गांव है वहां पे। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं जिले से, मुझे बात करनी पड़ेगी, अगर जिले में कोई सूचना आई है तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, सर संज्ञान में आएगा तत्काल कार्रवाई होगी। देहरादून की जिला कलेक्टर सोनालिका ने कहा कि वो इस मुद्दे पर जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगले सप्ताह इस पर अपनी बात रखेंगी।